गाइस, आपने अभी तक कितना प्यार देखा है? सच्चा वाला प्यार, झूठा प्यार, शाहजहां मुमताज, रोमियो जोलियो और अपने सल्लू भाई और ऐश्वर्या का प्यार। लेकिन इससे भी ऊपर एक स्टोरी है, बिल्कुल ट्रू लव वाला, बोले तो ऋषभ पंत और ऐश्वर्या लव का लव स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत और बॉलीवुड के एक्टर्स उर्वशी रठोला के प्यार की कहानी। अच्छा आप बोलो आई लव यू, नहीं बोले आप बोलो आई लव यू बोल दो, बस एक बार बोल दो, एक बार बोल दो आई लव यू। पहले खुद ही इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा के बोलती है कि क्रिकेट किस खेत की मूली है मुझे नहीं पता। पहले खुद ही ऋषभ पंत को फोक करती है और बेड फाइट होने के बाद उसे खुद छोटू भैया बोल देती है। बताओ, इतना मादर चोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। फिर पब्लिक से 19,999 गाली खाने के बाद ऋषभ पंत से माफी मांगती है। सीधी बात, नो बकवास। कोई बात या आप यू नो हमारे थ्रू से पहुंचाना चाहोगे ऋषभ पंत? ऑल आई वांट टू से इज दैट सॉरी, आई एम सॉरी। और गाइस, अगले दिन माफी से भी मुकर जाती है और फिर डेडिकेट वीडियो और रील्स डालकर ऋषभ पंत को बर्थडे विश करती है। अरे क्या करूं मार भी नहीं सकता। इसे सरल भाषा में प्यार नहीं, क्लॉज चेंज बोलते हैं। बताओ, इतना मादर चोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। सो गाइस, रिसेंटली उर्वशी जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा। एक यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहाँ पे गई थी। अच्छा। और मुझे कोई जेंटलमैन है उनके नाम से वो लोग चिल्लाने लग गए, तो मुझे वो बहुत खराब लगा कि क्या मेरे खुद का कुछ मैंने अपनी लाइफ में कमाया नहीं है या क्या बोला तूने? तुम ऋषभ पंत को पब्लिक की फॉक करवाओ, पब्लिक की उसको बर्थडे विश करो, पब्लिक की अपने बंदों से कोर्ट करवाओ, ये सब सही। लेकिन अगर पब्लिक में एक्सपॉन्टमेंट में किसी ने एक शूटिंग कर दी, वो गलत। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? सो इस इंटरव्यू के बाद ऋषभ ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक स्टोरी लगाई कि लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, पल प्रॉपर्टी को। साथ में दो हैशटैग भी लगाए, हैशटैग मेरा पीछे छोड़ दो बहन, हैशटैग नंबर दो झूठ की भी लिमिट होती है। ऋषभ पंत ने 7 मिनट के अंदर अंदर स्टोरी को डिलीट कर दिया। उसके बाद उर्वशी ने एक स्टोरी लगाई, छोटू भैया सुल प्ले बैट बॉल मैन मुन्नी नहीं हूँ बदनाम होने विद यू किड डार्लिंग तेरे लिए। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। और साथ में यहाँ पर 3 हैशटैग भी लगा है, रक्षाबंधन मुबारक हो आरके, ओ सॉरी आरपी छोटू भैया, डोंट टेक एडवेंचर फॉर द साइलेंट गर्ल। अरे रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। तो दरअसल बात ऐसी है कि T20 मैच इंडिया हार गई, उसके बाद जो इंडिया का मैच है वो है ऑस्ट्रेलिया में। इनके ट्रू लव वाला प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो एक बात सामने आई है कि उर्वशी अपने ऋषभ के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। अब या तो अपन गुस्से में खेलेगा या फिर कंफ्यूज होकर आउट हो जाएगा और ये साइड स्क्रीन पर खड़े होकर उसे डिस्टर्ब करेगी। मामी, इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? मुझे नहीं मालूम। अंकल, जीव बेटा गुंगरू। अंकल, क्या करूं? क्या करूं मैं होश में आकर, क्या करूं? साला जिस रिश्ते से हम पीछा छुड़ा के भाग रहे थे, मुझे क्या पता था कि वो रिश्ता हमारे पीछे पीछे ही भाग रहा। या पंत की बंदी उसे कॉल करके या फिर मैसेज करके उसे बार बार परेशान करेगी, जिसके वजह से वो बंदा सही से ट्रेनिंग और फोकस नहीं कर पाएगा। तो हो गई ना इंडिया की हार की नुकसान, हो सकता है ना ऐसा। एक मिनट, मेरा बंदा है ठीक है ना, मैं तो पैसे में जा रही, मेरा बंदा 3 साल से डेट कर रही हूँ उसको मैं। तो 3 साल से 4 साल से मैं डेट कर रही हूँ। कहाँ से डेट कर रही है? 3 साल से मेरे साथ रह रहे वो, कैसे ये सब बकचोदी छोड़ो। उर्वशी के जो कमेंट पोस्ट और रील पर जो जितने भी कमेंट है हम उनको पढ़ेंगे। ऋषभ पंत को आप स्टेडियम के सबके सामने प्रपोज कर दो। हाँ भाई, कर सकती है वो प्रपोज, बेशरम लड़की है वो। इसमें क्या लिखा हुआ है? छोड़ उस जालिम को, ये दिल का दर्द है, कुछ दिन में हवा हो जाएगा। ऋषभ नहीं मान रहा तो मुझसे प्यार कर ले, दर्द का भी दवा हो जाएगा। अच्छा
ऋषभ पंत डॉक्टर तुम ही हो इस दर्द का, जल्दी से इलाज कर दो। दिल ए नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दवा ये है कि आप जल्दी से शादी कर लो। अच्छा बहन के लेने दो। जिंदगी हो तो पेंट जैसी, पेंट नहीं पंत जैसी। दीदी ने छोटू भैया के पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बुरा बिहारी लगता है मुझे। क्यों ऋषभ का ध्यान भंग करने में लगी हुई हो, ही। प्यार कोई करे तो इसके जैसा करे, आजकल की दुनिया में वाह वाह दीदी वाह। हस पोस्ट पेंट इज वेरी वेरी लकी गाइस। ओ वाई स्टोलिया इज डेथ आरपी, मेरे पीछा छोड़ दो बहन आरपी भैया। मिस यूनिवर्स भी क्रश के लिए वेट करती हैं और हम तो फिर भी उम लोगों से हैं। उम नहीं आम लिख रहा भैया, उम लिख दिया। इस गेम में वित्तीय जोखिम है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने सोए के जोखिम पर खेले। बंदे ने बहुत अच्छी बात कही है। इंतजार करो वो तुम्हारा है। ओ भाई हाँ उसका ही है, खैर इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया गई थी ना वो। मामला गंभीर हो गया, अब बाबा बंगाली कुछ कर सकते हैं। फिर से एक पोस्ट, दिल है नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। खैर दिल को तो ये हुआ कि ऋषभ पंत से मोहब्बत हो गई है और इसकी दवा ये है कि जल्दी से जाकर यार शादी कर लो तुम। फिर से एक पोस्ट, तरस जाओगे मेरे लबों से कुछ सुनने को। ओहो बात करना तो दूर, हम शिकायत भी नहीं करेंगे। यार ये एक्टर शायर कब से बन गई। मौत से पहले भी एक मौत होती है, सच में होती है क्या मेरा मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना अपने। देखो जरा मोहब्बत से दूर होकर। भाई क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, मैं तो पागल हो गया, सच में पागल हो गया मैं तो। सो गाइस उस वर्षी का एक पोस्ट है जिसपे लिखा हुआ आईना आज भी रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया और यहाँ पे दिल टूट गया। दूसरा पोस्ट है जिसपे लिखा हुआ कि कोई इतना बेदर्द कैसे बन सकता है, किसी की तरफ को किसी की तरस ना आ जाए, फिर दिल टूट गया।